सभी को नमस्कार। जिसका डर था वही हो गया और बिल्कुल लास्ट दिन आज ये स्टेट के फॉर्म जो है ना बंद हुए हैं। 27 तारीख लास्ट डेट थी, आज ही वैकेंसी लिखा निकाल दी। इनको कोई समझाने वाला हो, जब इतने दिन वेट कर लिया था तो इस टेस्ट का भी कर लेते। अब ये एक नया मुद्दा दे दिया और मुद्दा भी जनमन है। 10 दिन से कैंडिडेट लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई हमें फाइट करना है इसमें, और ये पोस्ट निकाल के खड़े हो गए भाई। 7431 कुछ पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है और मुझे नहीं लगता ये सही समय था। इसको 10 दिन पीछे किया जा सकता है, इस स्टेट वालों को भी शामिल कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अब जो बच्चे इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और इसमें फीस भी भरवा ली उनकी, अब ये TGT की पोस्ट आ गई, 1.5-2 साल में 3 पर पूरी होंगी, उसके बाद हो सके 5-4 साल तक पोस्ट नहीं निकलना है, ये भी दुर्भाग गए हैं। तो भाई देखो, मुझे तो ये अटपटा लगा। अब कम से कम इनको और शामिल करवा लेते, उसके बाद सबकी फाइट हो जाती, जिसकी किस्मत वो होती मिल जाती। यूँ थोड़ा हान मना लग गया। हालांकि मैं तो फार्म नहीं भर रहा और कुछ नहीं, लेकिन बुरा लग रहा है जो बच्चे कोशिश कर रहे थे 10 दिन से और बिल्कुल आज ही फार्म भरने बंद हुए हैं, आज ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकल दी। तो भाई डेट ऑफ पब्लिकेशन है 27/9/2022, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/10/2022, यानी 5 अक्टूबर से भाई ऑनलाइन फिलिंग शुरू हो जाएगी फॉर्म की। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और 26 तारीख है इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव डिपॉजिट ऑफ फीस 28 तारीख तक आप फीस जमा करा सको हो, लेकिन 26 ही मान के चलो, और 26 भी क्यों मान लो, आप जल्द से जल्द अपना फार्म जो है ना इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि कमीशन ने साफ कहा है लास्ट डेट का इंतजार मत करना। इसमें जो है ना काफ़ी बड़ा मामला है, एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं, वो बाद में करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 7471 है भाई, 3371 TGT पोस्ट ग्रुप सी सर्विस। इसमें जो है ना सब ने अपना ध्यान से पढ़ना, जिसकी जो कैटेगरी है फ़ोटो वगैरह की सारी डिटेल दे रखी है, कम से कम 1-2 बार इसको पूरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपना देखो। और कॉमन एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, TGT ग्रुप सी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल पोस्ट को कॉमन, बाकी सब्जेक्ट के अलग हैं, ये है कॉमन हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर, यानी 10वीं और हायर में हिंदी संस्कृत को एक लैंग्वेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट या स्टेट ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उसी का स्टेट आपके पास होना चाहिए फॉर द पोस्ट अप्लाइड, कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। कोई CTET वगैरह नहीं चलेगा भाई, को केवल भिवानी बोर्ड जो लेता है ना वो स्टेट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट का। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन विद ईच पोस्ट, यानी जो पोस्ट के साथ इसेंशियल दी वो उम्र है भाई 18 से 42 साल, उसमें रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में वो पढ़ लेना सबको है। प्राइवेट मैनेज को भी एक्सपीरियंस का भी फायदा दिया है, वो भी अपना अलग से पढ़ लेना। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं भाई, पोस्ट एक्सेप डिस्ट्रिक्ट यानी रेस्ट ऑफ हरियाणा की ही है, पहले TGT इंग्लिश की है भाई 1751 पोस्ट, TGT इंग्लिश की 613 जनरल, SC 297, BCA 235, BCB 133 और EWS की भी दी है इन्होंने। इसमें लिख दिया है भाई EWS का उस पर निर्धारित करेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, और ESM 123, ESM SC 35, ESM BCA 26 न 36, ESM BCB 52, ESP जनरल 17, ESP SC 18, ESP BCA 9, ESP BCB 8, कुल मिलाकर होगी भाई 1751। इसी प्रकार TGT होम साइंस की है भाई 73, 27 जर्नल हैं। TGT म्यूजिक की है 10 पोस्ट, 4 जर्नल हैं। TGT फिजिकल एजुकेशन इसकी है भाई 821 पोस्ट, 288 में से जर्नल की रहेंगी। अब TGT आर्ट, इसका देखो काफ़ी लग नहीं रहा था इतनी पोस्ट आ जाएगी, 1443 पोस्ट आ गई भाई, काफ़ी बड़ी भर्ती है TGT आर्ट की, 505 इसमें से जर्नल रहेंगी। इससे आगे बात कर लेते हैं TGT संस्कृत, इसकी है भाई 714 पोस्ट और 250 जर्नल रहेंगी। TGT साइंस 1297, यह भी बड़ी भर्ती है इनकी भी TGT साइंस की, 453 जर्नल। TGT उर्दू की 21 पोस्ट, 8 जर्नल।
अब EWS की तो मैंने बता दिया, वो उस पर निर्धारित करेगा। फिलहाल इनका कुछ नहीं है, ये सब की क्वालिफिकेशन दी गई है सब्जेक्ट वाइज, ये ज़रूर पढ़ना। इसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है तो आप इसमें फार्म भर सकते हो, वरना जो टेस्ट वेस्ट भी लेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्क्रूटने के टाइम भी आपको बाहर कर देंगे। तो अपना पहला आराम से पढ़ कर देख कर, ये आगे भाई मेवात कैडर की, मेवात में TGT हिंदी की है 106, TGT संस्कृत की 212, TGT उर्दू की 100 पोस्ट, TGT साइंस की भी 234 है, मेवात में ज़्यादा है, TGT मैथमेटिक्स 93, म्यूजिक की भी एक है, TGT फिजिकल एजुकेशन 246, TGT आर्ट 260, TGT SS सोशल साइंस 83, TGT होम साइंस 6। तो कुल मिलाकर बात यह है भाई, 7473 या बड़ी भर्ती आ गई है TGT की, और इसमें जो है ना एक यो है बस, बाकी भर्ती के लिए तो अच्छा भर्ती आ गई, आनी चाहिए थी, बल्कि और पहले आनी चाहिए थी, और भगवान करे या सरकार करे या टाइम पर पूरी हो जाए। लेकिन थोड़ा है एक बस यो पॉइंट लग गया अजीब सा कि बस स्टेट की फीस भी भर ली, सब ने अप्लाई भी कर लिया और कोई मौका ना मिलना, यो थोड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण सा लग है। हो सके ही ना फिर कोई कोर्ट में घसीट दे, वो भी डर लग है। कोर्ट में जाने में तो फिर मिलता किसी ने कुछ नहीं है, नुकसान सबका हो है। तो कुल मिला गया छोटी सी अपडेट थी भाई, अपनी एलिजिबिलिटी देखो, इसमें 5 तारीख से फार्म भरे जाएंगे और 26 तारीख इसमें लास्ट डेट रहेगी। फीस प्यास इसमें थोड़ी है, मेरे ख्याल 150 है जनरल की, बाकी की और भी कम है, फीस प्यास का तो इसमें ज़्यादा बड़ा मैटर कौन है, लेकिन 5 तारीख से इसमें भरे जाएंगे। अपना भाई सब्जेक्ट देखो, और जो भी क्वालिफिकेशन है ना, एक बात और क्लियर बता दूँ, इसमें लिख रखे मैंने पढ़ा था, जो भी क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट यानी लास्ट डेट पर देखी जाएगी, 26/10 तक अगर आपके पास वह क्वालिफिकेशन है तो मानी जाएगी, अगर 26 तारीख तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो वो नहीं माना जाएगा भाई। 26 को पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और अगर कुछ साथी रिजल्ट के वेट कर रहे हैं बाई चांस हो किसी सब्जेक्ट में, तो वो अपना कॉन्फिडेंशियल यूनिवर्सिटी से लिखवा ले आओ 26 से पहले, वो मान्य हो सकता है। अगर नहीं लाए तो आपका बेशक आप पास हो रहे हो या आपके यास हो आप पास हो जाओगे, लेकिन लास्ट डेट पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, स्टेट भी लास्ट डेट पर होना चाहिए, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो डिग्री डिप्लोमा जो कुछ है वो लास्ट डेट पर होना चाहिए। धन्यवाद भाई, अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।